Hello children, so now we continue with our lesson children. We did length and you know you have done centimeters to millimeters and meters to centimeters. Okay, you have seen the measurements and units for length, okay, and distance, kilometers and meters. So to now we are going to do about mass and weight, and then we will go to volume and capacity. So first let us go to mass and weight. Okay, mass and weight children means nothing but अभी देखो अगर आप बटाटा खरीदने जाते हैं, okay, you go to buy potatoes. Okay, तो इसको कैसे है, इसको weight है बराबर. तो जब आप ये खरीदोगे तो आप कैसे, एक किलो बटाटा चाहिए या आधा किलो चाहिए या दो किलो चाहिए, बराबर ना. अब सिमिलरली आप कांदा खरीदने जाते हो, okay, you go to buy onions, correct ना. 5 किलो कांदा चाहिए, 3 किलो कांदा चाहिए, शक्कर लेने जाओ, जो भी लेने, अभी चावल आप चावल खरीदते हो, ओके, राइस जो दिस ब्राउन राइस, ओके, सो इट्स ब्राउन, तो ब्राउन ये राइस है, तो 1 kg राइस, ओके, 1 किलो हम kg बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. सो वी आर नाउ गोइंग टू लर्न द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास और व्हाट यू कॉल एज वेट, मास एंड वेट. ओके, तो उसका जो यूनिट्स है, द यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास और वेट आर किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. ओके, सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams. तो अब नाउ यू नो व्हेन यू गो टू द शॉप तो आपको ऐसे वेट दिखता है, दिखाई पता है आपको बच्चों, ये ऐसे यू नो करेक्ट, दीज वेट्स यू सी नो राइट, यू सी दीज वेट्स नो, इसको तराजू पे रखे, एक साइड पे रखे, और फिर एक साइड पे समझो आपका कांदा या बटाटा अगर 1 किलो चाहिए तो ये 1 किलो है, तो एक साइड पे ये होता है और एक साइड पे ये होता है, और फिर बाद में उसका बिल्कुल इक्वल जब होता है वेट, तभी जाके आपको वो ही विल पुट इट एंड ही विल टेक इट कि ये 1 किलो हो गया. हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन. सो दिस इज 1 kg, 1 kg. ओके, अभी 1 kg मतलब क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams. हैव यू फॉलोड. ओके, तो ग्राम, किलोग्राम और ग्राम के हिसाब से, ओके, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम. ओके, तो इसका वेट है, ओके, दैट मींस 1 kg. अब इसका आधा, हाफ, हाफ ऑफ दिस इज 500. आपको दिखाई दे रहा है 500 ग्राम, जिसको हम बोलते हैं 500 ग्राम्स, हम बोलते हैं आधा किलो. तो मम्मी बोले कि आधा किलो लेकर, आधा किलो मीन्स 500 ग्राम्स. तो मैंने यहाँ भी एक ये डायग्राम दिखाया है आपको. ओके, ये पूरा जो है टोटल 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, ये टोटल 1000 ग्राम्स होता है, दैट मीन्स 1 kg, 1 kg. आई विल फॉलो, ये 1 kg और उसका 250 प्लस 250. ओके, ये देखो, ये आधा, ये 250 प्लस 250 हाफ. ओके, हाफ के जी, हाफ के जी मीन्स 500 ग्राम्स. ओके, और ये जो है क्वार्टर, ओके, ये पाव किलो, जब मम्मी बोलती है पाव किलो लेकर आओ, अभी पाव किलो मतलब क्या होता है, आई विल शो यू हियर. पाव किलो का यूजली एक साथ वजन नहीं है, सो यू हैव दिस 200 ग्राम्स चिल्ड्रन, आपको दिखाई दे रहा है ये 200 ग्राम है. ओके, और फिर उसके बाद ये 50 ग्राम है, तो ये 250 ग्राम्स हो जाता है. ओके, तो जो जब आप कुछ पाव किलो खरीदने जाओगे ना, वो ये दोनों भी एक साथ डालेगा एक साइड में, ओके, वेट करने के लिए, और एक साइड में आपका जो आपने खरीदा है वो डाल के आपको 250 ग्राम्स. तो 250 ग्राम्स, हैव यू फॉलोड चिल्ड्रन. तो दिस इज 1/4 ग्राम, ओके, 1/4 ग्राम या फिर 1/4 जैसा हम बोलते हैं. ओके, और फिर अगर आप ये तीन एक साथ लेते हो, 250 प्लस 250 प्लस 250, सो ये क्या होता है, 3/4 ग्राम. अंडरस्टूड चिल्ड्रन, 3/4 मीन्स 750 ग्राम, जो हम बोलते हैं पौना किलो. ये पाव किलो होता है और ये तीनों मिला के ये पौना किलो होता है. समझ में आया आपके, मुझे मराठीत अपन पाउंड म्हणतो, पाउंड किलो, हाँ, आणि हे पाव किलो, कळलं. आता दिस इज हाउ हे दिस 3 बिकम 750 ग्राम्स. क्लियर नाउ चिल्ड्रन, एंड द फुल होल इज 1000 ग्राम्स, दैट इज 1 kg. तो शॉर्ट फॉर्म 1 kg एंड ग्राम्स का ओनली जी पीरियड. सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. इज इट क्लियर नाउ चिल्ड्रन, वेरी गुड. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट अस गो टू द एक्सरसाइज.
Okay, here also we have certain exercises of conversion and all that what we are going to do. Okay, so agar hum exercise 1 dekhte, see children, again let me tell you, all these exercises please copy in your notebooks. Okay, line se. Okay, aap aise mass weight likho and start, look at this and then start your exercise. Okay, now exercise 1 mein kya hai? First sum that you have is again, now you are converting. Okay, so 2 kgs. Okay, ab hum kya convert kar rahe? See here, 2 kgs, 2 kilograms is equal to dash grams. Now, as you know, dekho, ye bahut simple hai. 1 kilogram is equal to 1000 grams. So, 2 ho jayega, to 2 multiplied by 1000, to 2000 kilograms. Correct? So, aise hota hai, fir 3 multiplied by 1000, 3000 grams. So, aise it goes on progressing. So, similarly, here 2 kg. Now, to show the working, I told you, for exam, you have to show the working. इसलिए ये हमको working करना है. तो 1 kg is equal to 1000 grams. Therefore, 2 kg is how much? जैसे आपने वो sums किया, same है. So, 2 into 1000, that is equal to 2000 grams. तो आपका answer आप लिखोगे इधर, 2000 grams. Is that clear? Yes. Now, the second sum. Simple again, 6 kg, आप देखते ही बोलोगे, 6 kg means 6000 grams, correct? तो same way, 1 kg is equal to 1000 grams, therefore 6 kg is how much? 6 multiplied by 1000, so it will become 6000 grams, okay? It's just same thing, तो ऐसे आप कुछ भी, कौन सा भी number लोगे, you have to multiply by 1000. Now let us take the next sum, third one. Now this 12 kilograms is equal to dash grams. So again 1 kg is equal to 1000 grams. Therefore 12 kilograms is equal to 12 multiplied by 1000. So when you are doing 12 multiplied by 1000 means 12 and then 3 zeros. So 12,000 grams, as simple as that. Or here you will write 12,000 grams. Okay, very good. Now we go to this sum. Now this is ulta. Jaise aapko 1750 grams diya hai. And you have to convert to kilograms and grams. Ki kitna kilograms hota hai uska. So now when we are doing that, what we have to do again, jaise maine dikhaya tha, ulta, we are doing 1000 grams is equal to 1 kilogram. Therefore, 1750 grams is how much? So 1750 divided by 1000. तो सिमिलरली 1 2 3 1 2 3 यहां आपका पॉइंट आ जाएगा. ओके, तो जब आपका पॉइंट यहां आ गया तो ये क्या होगा, 1 केजी, ओके, एंड 750 ग्राम्स. आई विल फॉलो. तो जब आंसर यहां आएगा ये 1 केजी आएगा एंड 750 ग्राम्स, एज सिंपल एज दैट. अंडरस्टूड? सो दीस आर योर 4 सम्स दैट यू हैव इन दिस एक्सरसाइज. Okay, now we will go to exercise 2. Okay, children? Yeah. Simple exercise 2. Have you seen? So, remember children, again, 1 kg or 1 kilogram is equal to 1000 grams. Okay? So, 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Right? Haan. And 1 meter is equal to 100 centimeters. Yes. 1 kilogram or 1 kg is equal to 1000 grams. And remember, 1 kilometer is equal to 1000 meters. Okay, that is distance. Ye sab bhulna nahi. Okay, now this is weight, mass. So again, 1 kilogram is equal to 1000 grams. ठीक है, वेरी गुड. लेट अस टेक द नेक्स्ट वन. सपोज आई गिव यू नाउ एक्सरसाइज 2. ओके, ए सम नंबर. सो इफ आई गिव यू हियर 5 केजी इज इक्वल टू डैश ग्राम्स, सो हाउ मच इट विल बी चिल्ड्रन? इट विल बी स्ट्रेट अवे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, करेक्ट? नो. So that is equal, so it is 1 kg is equal to 1000 grams. So 5 kg is equal to how much? So that is 5 multiplied by
1000, that is equal to 5000 grams. So your answer will be 5000 grams. Okay, as simple as that. Okay, children? Yeah. Now let us take the second sum now, B. Over here I am doing that. Now suppose I give you 9365 grams. Abhi aapko ulta hai, is equal to dash kilograms and dash grams. Abhi aapko convert karna hai grams mein. Okay, you have to convert it ulta into grams. So as simple you did the first one. So isko kaise karna hai? We will write 1000 grams is equal to 1 kilogram. Okay, therefore 9365 grams is how much? So simple, what we will do, that's equal to 9365 divide by 1000. That's equal to, so when you divide by 1000, what will happen here? 1 2 3. So 1 2 3, you put a point here. So what you will get? That's equal to 9 kg and 365 grams. So we write here 9 kilograms, 365 grams. So it is that simple. Okay, I hope you have understood, because the same process is repeated. Only aapka jo ye hota hai wo change hota hai, units change hota hai, units of measurement. Kyunki ye weight hai, तो वेट में आपको किलोग्राम्स और ग्राम्स यूज करना पड़ेगा. डिस्टेंस में आपको किलोमीटर्स और मीटर्स यूज करना पड़ेगा. हैव यू फॉलोड? और आपको लेंथ, अगर आप कपड़े का लेंथ वगैरह, तो आपको मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, द थर्ड सम दैट इज ओवर देयर. ओके, सम नंबर सी. ओके, नाउ सी, नाउ दिस सम, जस्ट लुक एट दिस. नाउ सपोज आई हैव गॉट ओवर हियर 3 kgs. Okay, 435 grams is equal to dash grams. Okay, यहाँ 3 kg है और ये grams दिया हुआ है already. Okay, और आपको ये सबको convert करना है grams में. तो बहुत simple है, कोई डरने की बात नहीं. आपको सिर्फ क्या करना है, अभी you know 1 kilogram is equal to 1000 grams. तो ये 3 को आप किससे multiply करोगे? 1000 से. So you will multiply 3 into 1000, okay? और ये जो है आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राम्स है ऑलरेडी. ओके, तो प्लस 435. फॉलो? एंड व्हाट यू विल डू, 3 into 1000 मीन्स 3000 प्लस 435, दैट इज इक्वल टू 3 and then 4, 3 and 5. K00 है ना, तो ये तीनों नंबर ऐसे आ जाएंगे. ओके, फॉलोड? सो दिस इज ग्राम्स. हैव यू अंडरस्टूड? सो व्हाट यू विल गेट इज 3435 ग्राम्स. ऐसे तो कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लाई करके ये नंबर फिर से ऐड करना है उसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम्स है. तो आपको केजी को आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हो और ये ग्राम्स उसमें ऐड कर रहे हो. ओके, तो वो ही सिंपल है कि यू आर डूइंग टू मेथड्स. ओके, नाउ लेट अस डू वन लास्ट सम देयर. ओके, द लास्ट सम ओवर देयर, डी वाला. तो अगर आपको दिया गया है 8 kilograms 215 grams, ओके, is equal to dash grams. So you have to just convert, means simple. Aap kya karoge? Yes, student, what will you do? Yeah, what I will do? I will do 8 multiplied by 1000 plus 215. So 8 multiplied by 1000 will be 8000 plus 215, which will be is equal to 8215 grams. Have you followed? So जो मेरा आंसर आएगा इधर 8215 grams. Have you followed, children?
So please see that you copy these sums properly in your notebook. Okay, so this was your mass and weight. Okay, now we will go to learn volume and capacity. I hope you have understood, children. So let's go to learn volume and capacity. Okay, so then I just clean the board, children. Now, children, since we have finished with weight and mass, now we go to next, children, volume and capacity. Now, volume and capacity is nothing but what we do with liquids, when we weigh liquids, okay? So, jo pani, doodh, okay? Tel, you know, oil and all we weigh, no? Uske liye, usko hum bolte volume and capacity. So, it is basically for liquids. ओके तो जब हम लिक्विड्स हम मेजर करते हैं व्हेन वी मेजर लिक्विड्स चिल्ड्रन वी यूज द यूनिट्स दैट इज कॉल्ड लीटर्स एंड मिलीलीटर्स ओके सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स सब में 1000 ही है ओके सिर्फ उसका जो यूनिट होता है वो अलग होता है तो लिक्विड्स के लिए लीटर्स एंड मिलीलीटर्स होता है So, 1 liter is equal to 1000 milliliters. Milli means very small. Okay, tiny. Have you followed, children? Okay, so if I have taken here, ek, samjho ye ek tank hai. Okay, aur isme 1000 liters ka pani hai. To agar maine is tank ko 4 parts mein divide kiya hai, to each quarter part mein 250 ml water hoga. Have you followed? To agar main ये पूरा हाफ ले लूंगी तो उसमें कितना आ जाएगा इसमें 500 लीटर्स पानी आ जाएगा कितना 500 लीटर्स मतलब हाफ लीटर अंडरस्टूड चिल्ड्रन सो 500 250 प्लस 250 500 लीटर्स और अगर एक ही पार्ट लिया मैंने तो क्वार्टर क्वार्टर लीटर मींस 250 ml मतलब मिलीलीटर्स ऑफ वाटर और अगर मैंने 3 पार्ट ले लिया तो वो हो जाता है 250 प्लस 250 प्लस 250 इज इक्वल टू 750 मिलीलीटर्स तो ये पौना लीटर जो हम बोलते हैं और ये पाव लीटर हैव यू फॉलोड अभी ये लीटर होता है तो पौना लीटर दूध अगर हम लेंगे तो 750 ml दूध लेंगे मिलीलीटर्स और अगर हम पाव लीटर लेंगे तो सिर्फ 250 लीटर्स मिल्क ले लेंगे Have you followed children? अभी दूध को जब हम करते हैं अभी हाफ लीटर लेंगे तो हम 500 लीटर्स लेंगे Have you followed children? तो ये होता है आपका वो टैंक वाला ओके नाउ लेट मी शो तो अगर हम दूध वगैरह तेल वगैरह खरीदने जाते तो आप देखते हो कि इस तरीके से जो कंटेनर होता है उसमें ये बड़ा भी होता है ना इसमें 1 लीटर का बड़ा होगा और आधा लीटर का उससे आधा होगा और ये तो ये छोटा है ओके सो हियर यू हैव जस्ट आई जस्ट टू शो यू कि ऐसे वाला इसमें होता है दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस ओके टू शो यू तो ये बड़ा भी होगा छोटा भी होगा अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ओके तो ये शायद 50 ml होगा आई थिंक सो आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल तो शायद 50 ml का होगा ये 50 ml का ओके वेरी स्मॉल वन इट इज ओके चिल्ड्रन अनदर थिंग इज वी ऑल्सो यूज सच टाइप ऑफ कंटेनर अभी इसमें आता है 30 ml और इसमें आता है 60 ml हैव यू फॉलोड चिल्ड्रन सो दिस इज सर्टन यू इफ यू हैव टू टेक सर्टन मॉकटेल्स एंड ऑल ना वो इसके अंदर आप लेते हो ड्रिंक्स ओके फिर अभी आपकी मम्मी जब खाना बनाती है कुकिंग के लिए यूज़ करती है तो वो इस तरीके के कप्स यूज़ करती है तो ये कप्स में भी ये जो कप ये जो है ये अभी 125 ml का है ओके तो ये जो खाना में हम डालते हैं वगैरह तो 2 कप 3 कप तो दीज आर ऑल यूज फॉर दैट ओके अंडरस्टैंड एंड अगर मम्मी खाने में अभी देखो चम्मच भी यूज़ हो जाता है खाने में डालने के लिए ओके तो ये सब मेजरमेंट से ओके तो जस्ट नॉट दीज ओके तो ये दिस इज 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून ओके ऐसे टेबल स्पून हाफ टी स्पून हाफ तो ये सब भी मेजरमेंट्स है ओके जो खाना वाना बनाने के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं दूसरे चरण जब आप दवाई लेते हो मेडिसिन लेते हो तो कई बार वो कप आता है उसमें 2.5 ml 5 ml 10 ml ऐसा उसका मेजरमेंट होता है रिंग होता है तो वो मेजरमेंट में आप दवाई ले लेते हो बच्चों को अभी ये तो मेरा कैट के लिए जो मेरी बिल्ली के लिए जो मैंने दवाई लाई थी तो उसमें क्योंकि उसके मुंह में इससे डालना पड़ता है तो यू कैन सी द मेजरमेंट ओके यू कैन सी 1.2.5 ml ओके कैन यू सी चिल्ड्रन यस तो आप अगर देखोगे तो 1 ml है फिर 1.5 ml है फिर 2 ml और उसका लास्ट 2.5 ml ओके इफ यू सी
ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज द, इसमें उतना उतना दवाई हम खींच लेते हैं सिरिंज से. ओके, एज यू नो यू पुल एंड देन जितना दवाई आता है फिर वो उतना दवाई उसको देना पड़ता है. हैव यू फॉलो? तो ये सब लिक्विड्स के लिए, क्योंकि ये लिक्विड्स है. हैव यू फॉलो चिल्ड्रन? सो दिस इज हाउ वी यूज डिफरेंट मेजर्स फॉर लिक्विड्स. ओके, बट द यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड्स इज लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. नाउ अब अगर हम सम्स करने जाते हैं, नाउ लेट अस गो टू द एक्सरसाइज चिल्ड्रन. ओके, सो योर फर्स्ट एक्सरसाइज हियर आई हैव फर्स्ट सम दैट इज देयर इज 7 लीटर्स इज इक्वल टू डैश ml. तो जैसे 1 लीटर इज 1000 ml, तो 2 लीटर्स विल बी हाउ मच? 2000 मिलीलीटर्स. करेक्ट नो? ml इज द शॉर्ट फॉर्म. तो 2000. सो 3 लीटर्स होगा 3000. इट्स द सेम. ओके, तो यहाँ 7 लीटर्स विल बी 7000 मिलीलीटर्स. तो जैसे आपको दिखाना है एसिड, यू हैव टू शो द वर्किंग. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. सो 7 लीटर्स इज हाउ मच? दैट इज 7 × 1000 इज इक्वल टू 7000 मिलीलीटर्स. ओके, यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर नोटबुक्स, दिस एक्सरसाइजेस. फॉर द सेकेंड सम आई हैव 18 लीटर्स is equal to dash milliliters. So again 1 liter is equal to 1000 milliliters. So 18 liters is how much? So 18 multiplied by 1000. So 18,000 milliliters. So I have 18,000 milliliters. Have you followed children? Okay. Now here let us see. Now see, I have 5 liters, 843 milliliters. Okay, is equal to dash milliliters. अभी हमारा ऑलरेडी ये मिलीलीटर्स है, तो हमको सिर्फ जो 5 लीटर्स है उसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू लीटर्स. तो हम क्या करेंगे? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर्स. देयरफॉर 5 लीटर्स इज इक्वल टू हाउ मच? क्योंकि ये करना है, तो 5 × 1000 प्लस ये ऑलरेडी मिलीलीटर्स है प्लस 843. सो दैट इज व्हाट आई गेट, 5843 मिलीलीटर्स. हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो दिस इज जस्ट हाउ यू डिड द अदर सम सेम, सिर्फ उसका जो यूनिट्स है वो चेंज होता है, इसका लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. ओके, सो नाउ लेट अस गो टू द, वी डिड 3 sums हियर, करेक्ट? नाउ वी विल गो टू द 4th sum. ओके चिल्ड्रन, अभी 4th sum जब हम कर रहे हैं, सिंपल. Sum number 4, suppose I take 9670 milliliters, okay, is equal to dash liters and dash milliliters. Okay, so now what I will do, okay, what I have to do now children, as you know, it is, we will take ulta. So, hum kya karte hain? 1000 milliliters is equal to 1 liter, ulta karte hain. Therefore, 9670 milliliters is how much? So, what we will do now, we have to divide as I told you. So, 9670 divided by 1000. Okay. So, when we count 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, we put the point here. So, as simple, what you got children? You get 9 liters 670 milliliters. Okay, so what I got over here, 9 liters 670 milliliters. Have you understood children? As simple as that. Okay, okay children, now we go to the last sum there, 5th sum there. Now suppose I have 13,056 milliliters is equal to dash liters and dash milliliters. Same way children it is. So ulta jaisa hum karte hain, 1000 milliliters is equal to 1 liter. Okay. Therefore, 1003 sorry
13,056 milliliters is how much? Okay, it's 13,056. तो हम क्या करते हैं अभी 13,056 multiply divide by sorry 1,000 that will be equal to अब हम कैसे करते हैं we will count 1, 2, 3, 0 so 1, 2, 3 तो यहाँ तो what will come it will be 13 liters and 56 milliliters क्योंकि ये जो जीरो होता है ना ये कैंसिल हो जाता है ये कट हो जाता है ओके क्योंकि ये इसके आगे आता है तो ये कट हो जाता है सो 13 liters and 56 milliliters तो हम आंसर विल गेट 13 liters and 56 बिकॉज देयर इज नो 100 इज जीरो हैव यू फॉलोड चिल्ड्रन सो दिस फाइव सम्स प्लीज राइट इन योर नोटबुक्स चिल्ड्रन सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर सम्स आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड ऑल योर sums of measurement okay we end here okay children and I hope you go through this nicely so that you understand it more better so keep on seeing it again and again children so thank you children goodbye and please write this in your notebooks neatly.